So just now we have solved fourth question. Now we will move to the fifth question of this exercise. Vasudevan invested 60,000 rupees. At an interest rate of 12% per annum. Fine, compounded half yearly. यहां mention है तो आपको immediately half yearly का concept clear होना चाहिए. रेट आधा हो जाएगा, टाइम डबल हो जाएगा. व्हाट अमाउंट वुड ही गेट? दो केस है. आफ्टर सिक्स मंथ एंड सेकेंड इज आफ्टर वन ईयर. क्वेश्चन को हमको दो पार्ट में सॉल्व करना है, एक बार सिक्स मंथ के लिए और एक बार वन ईयर के लिए. हाफ ईयरली का जो कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट एज इट इज रहेगा, इसमें ज्यादा टेंशन जैसा कुछ भी नहीं है. सबसे पहले जो जो गिवन है वो हम लिखेंगे. प्रिंसिपल इज रुपीज 60,000, रेट इज 12%. फर्स्ट केस में टाइम जो है सिक्स मंथ. मंथ को अगर हम ईयर में कन्वर्ट करें तो विल सिक्स डिवाइड बाय 12 मीन 6/12 और हाफ ईयर. ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट. तो पहले हम फर्स्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट का ही सॉल्व करेंगे. फॉर्मूला लगाएंगे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 + R/2 × 100 बिकॉज हाफ ईयरली है 2 × N. P is 60,000, value substitute करेंगे, into 1 + R is 12 / 200 / 2 × half. Half, 2 and 2 will cancel, power जो है वो आपकी 1 हो जाएगी. उसको हम यहाँ continue करेंगे. Amount is equal to 60,000 into 12 और 200 को cut down करने की कोशिश करेंगे. 2 6 are 12, 200 are then 2 3s are 6, 2 50s are. तो 51 + 3/50 टू दी पावर 1. तो पावर तो एलिमिनेट हो गई. क्वेश्चन थोड़ा इजी हो गया कैलकुलेशन के लिए. 53/50 टू दी पावर 1, तो मैंने एक बार ही लिखा है. ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे. अमाउंट आ जाएगा, मेरे पास ऑलरेडी रिजल्ट है तो आई विल यूज रिजल्ट डायरेक्टली. फाइनल आंसर विल बी 63,600 rupees, बट दिस इज अमाउंट. अगर इंटरेस्ट पूछते हैं तो हम आगे इंटरेस्ट निकालते हैं, इसमें नहीं पूछा है बट स्टिल हम निकाल देते हैं. अमाउंट माइनस प्रिंसिपल मीन 63,600 - 60,000 ये आ जाएगा 3,600 rupees ही गॉट एज इंटरेस्ट. ठीक है, अब ये क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, सारी फिगर वही रहेगी, केवल टाइम चेंज हो जाएगा. पी इज 60,000, आर इज 12%, एन इज वन ईयर. अब हाफ ईयरली है तो वो ऑटोमेटिकली 2 में कन्वर्ट हो जाएगा. अमाउंट इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रही हूँ, अब फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ. ठीक है, मैं होप करती हूँ कि आपको एकदम फॉर्मूला सब कुछ याद हो गया होगा, इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ. 12 by 2 into 100 to the power n into 2 because compounded half yearly. ठीक है, 60,000 into, इसको कट डाउन करने की कोशिश करेंगे. मेरे पास ऑलरेडी रिजल्ट है, 12 by 200 is 3/50. ठीक है, तो 53/50 टू दी पावर 2. वहां और यहां में क्या फर्क आया? दे वॉन्टेड आफ्टर सिक्स मंथ, मतलब एक ही पीरियड आंसर चाह रहे थे वो, एक सिक्स मंथ का पीरियड. इसलिए यहां पर क्या हुआ, हाफ और 2
कैंसिल हुआ और वन में कन्वर्ट हो गया. मीन्स वॉट इट इज शोइंग, ये वन पीरियड आफ्टर 6 मंथ कितना उसे अमाउंट मिलेगा. इन दिस केस आफ्टर 1 ईयर है तो ऑब्वियस है 2 पीरियड्स में अमाउंट मिलेगा, 2 पर्टिकुलर स्लैब में, तो इसलिए 2 में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 2 टाइम्स लिखेंगे बिकॉज पावर इज 2 नाउ एंड फाइनली इट इज योर फाइनल आंसर इज 67,400 रुपीज. ठीक है, आफ्टर 1 ईयर वासुदेवन विल गेट 67,416 रुपीज. 6 मंथ बाद अलग आया है और ऑब्वियस है 1 ईयर बाद अलग आंसर आया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6th क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6 इज आरिफ टुक अ लोन of 80,000 rupees from a bank. Rate of interest is 10% per annum. Find the difference in amounts. Means हमें दो तरीके का अमाउंट निकालना है बिकॉज दे आर क्लियरली सेइंग इन अमाउंट्स ही वुड बी पेइंग आफ्टर 1.5 ईयर. ही वुड बी पेइंग 2 केस है, कंपाउंडेड एनुअली एंड कंपाउंडेड हाफ ईयरली. मीन्स इसी क्वेश्चन को हमें 2 पार्ट में करना है. सेकेंड इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली. ठीक है, यहां पर गिवन में हमारे पास प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है, बट टाइम को अगर हम ध्यान से देखें तो 1.5 ईयर है. जैसे ही टाइम जो है फ्रैक्शन और मिक्स न्यूमरल के फॉर्म में आता है तो मैं आपको क्लियरली बता चुकी हूँ कि हमें कौन सा वाला पैटर्न फॉलो करना है. एक कंप्लीट 1 ईयर का सॉल्व करना है एंड एक पार्ट हाफ ईयरली के लिए सॉल्व करना है. आइदर आप फॉर्मूले से करें या हाफ ईयरली का सिंपल इंटरेस्ट निकाल के वो ऐड करें, दोनों तरीके मैंने आपको बताए हुए हैं. तो हमें क्लिक हो जाना चाहिए कि टाइम अगर 1.5, 2.5, 3.5 ऐसे मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में तो हमें कौन सा पैटर्न लगाना है. सबसे पहले हम गिवन लिख लेंगे. दोनों केस के लिए प्रिंसिपल इज 80,000. बस केस में चेंज क्या है, एनुअली एंड हाफ ईयरली. रेट इज 10%, टाइम इज 1.5 ईयर और इसको मिक्स न्यूमरल को ओपन करें 3/2 ईयर, बट इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इससे हमारा काम हो जाएगा. फॉर्मूला इज अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 to the power n, कंप्लीट जो भी है 1 + r/100 टू दी पावर एन नहीं लिखते, यहाँ पे कंप्लीट ईयर क्या है 1.5 है, तो हम यहाँ पर 1 एंड ये वाला जो है वो हाफ के लिए. ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे और पावर हाफ में नहीं लिखते तो हम क्या करेंगे, उसे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे. जो आपको पता है आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एक स्टेप और एक्सपेंड करके ऐसा लिख सकते हैं. तो मैंने इसे यहीं रिमूव कर दिया और रेट के साथ हाफ का मल्टीप्लाई कर दिया. मिक्स न्यूमरल में जो एक मिक्स पार्ट्स हैं, एक फ्रैक्शन पार्ट है, एक नॉर्मल नंबर है. नॉर्मल हमने अलग ले लिया, फ्रैक्शनल पार्ट सेकंड में लिया, वो आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये पैटर्न मैं आपको बार बार रिवाइज करा चुकी हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और अब इस क्वेश्चन के थ्रू हम एक बार और इसे रिवाइज कर रहे हैं. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 1 + 10/100 to the power 1 कंप्लीट ईयर, 1 + जो हाफ ईयर है उसका हो गया हाफ, इंटू 10
बाय सॉरी 100 पावर में कुछ भी नहीं, यहाँ पे रेट कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 से 100 कैंसिल होगा तो 20 आ जाएगा, यहाँ पे 10 से 100 कैंसिल होगा तो 10 आ जाएगा, सो फाइनली इट इज 80,000 1 प्लस 1 बाय 10 टू द पावर 1, 1 प्लस 1 बाय 20, कुछ पावर नहीं है मीन्स 1, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, अमाउंट इज इक्वल्स टू 80,000 मल्टीप्लाई बाय 11 बाय 10 एंड 21 बाय 20, फाइन, 0 0 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, बाकी आप जो भी हैं वो पूरा मल्टीप्लाई करके मेरे पास रिजल्ट है, तो आई विल यूज डायरेक्टली रिजल्ट, दैट इज इक्वल टू 92,400, ठीक है। सो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा अमाउंट आ चुका है 92,400 रुपीस। यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहे तो आप करें, पर जरूरत नहीं है, बिकॉज दे हैव क्लियरली मेंशन दैट फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट्स, मतलब हमें सेकेंड केस भी सॉल्व करना है, सॉल्व करके उसका भी अमाउंट निकालना है, एंड देन विल सब्ट्रैक्ट बोथ द अमाउंट्स, तो हम इसे यहाँ पर भी रोक सकते हैं, बाकी आप जैसा चाहें, इंटरेस्ट निकालना है तो आप निकालें, बट इस पर्टिकुलर केस में नहीं कहा है। अब सेकेंड पार्ट में गिवन तो हमारा एज इट इज रहेगा, पी इज 80,000, आर इज 10%, टाइम इज 1.5 मीन्स 3/2 ईयर, बट दिस केस इज फॉर कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली है तो आपका क्या होगा, रेट हाफ हो जाएगा, टाइम डबल हो जाएगा, फॉर्मूला विल बी पी इंटू 1 प्लस आर बाय 200 टू दी पावर एन इंटू 2। अब यहाँ पर हम फ्रैक्शन में टाइम को यूज कर सकते हैं, बिकॉज 2 एंड 2 विल कैंसिल एंड फाइनली फ्रैक्शन रिमूव हो जाएगा, नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो देखिए आपको ऐसा बैलेंस ही देते हैं, आइदर वो इस तरह से रिमूव हो जाता है फ्रैक्शन, और हाफ ईयरली होने से वो 2 से कैंसिल हो जाता है, या क्वार्टरली होने से 4 से कैंसिल हो जाता है, बट कहने का पर्पस ये है कि पावर फ्रैक्शन में आई तो सॉल्व करना डिफिकल्ट नहीं होगा, ठीक है। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर इज 10 टू द पावर 3/2 इंटू 2, ठीक है। अब इसको कट डाउन करेंगे, ये भी कट हो गया, 80,000 इंटू ये हो गया 1/20 मीन्स 1 प्लस 1/20 टू द पावर 3, 80,000 देखिए का जीरो ज़्यादा कम हो जाए तो आप चेक कर लीजिएगा, इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20, ये सॉल्व होने पे जीरोस तो मैक्सिमम कैंसिल हो रहे हैं, 2 2 2 2 2 2 2 से 8 भी कैंसिल हो रहा है, ये 3 टूज हैं मीन्स 8 है, तो यहाँ आपको फाइनली 10 मिल जाएगा, 21 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 10 विल गिव यू 92,610 रुपीज़। अगेन ये अमाउंट आ गया, बट दिस इज अमाउंट फॉर हाफ ईयरली, दिस अमाउंट वॉज कंपाउंडेड एनुअली। अब हमें इन दोनों अमाउंट्स का क्या निकालना है, डिफरेंस, बिकॉज दे हैव क्लियरली सेड इन क्वेश्चन, तो हम जब डिफरेंस निकालेंगे तो 92,610 माइनस 92,400 रुपीज, सो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग इट विल 210 रुपीज। देखिए हाफ ईयरली और कंपाउंडेड एनुअली सेम फिगर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट टाइम जो है उसमें हाफ ईयरली है और कंपाउंडेड एनुअली, तो 210 रुपीस का फर्क आया 80,000 रुपीस के प्रिंसिपल पे, ठीक है। तो क्वेश्चन इजी था, इंटरेस्टिंग था, कि हम खुद देख सकते हैं कि कंपाउंडेड एनुअली हमें प्रेफर करना है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली प्रेफर करना है, हाफ ईयरली में और ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, देखिए 210 रुपीस का फायदा हो रहा है, अगर हमें देना पड़ रहा है तो लॉस हो रहा है, और अगर हमें लेना है तो हमें फायदा हो रहा है। सो सिक्स्थ वी हैव सॉल्व्ड, नाउ सेवेंथ, मारिया इन्वेस्टेड 8,000 इन अ बिजनेस, क्वेश्चन नंबर 7, मारिया
invested 8,000 rupees in a business. She would be paid interest at 5% per annum. Rate given है per annum. Compounded annually. तो और भी अच्छा है, simple question है, complication कुछ भी नहीं है क्योंकि directly she has invested compounded annually. अब again इस question के दो part है. First is the amount credited against her name at the end of second year means 2 साल बाद जो भी उसने इन्वेस्टमेंट किया है वो कितना हो जाएगा, वो अमाउंट क्या होगा वो हमें फाइंड करना है. मीन्स उसे कुछ इंटरेस्ट मिलेगा 8,000 पे, वो इंटरेस्ट और 8,000 ऐड होके हमें एक पर्टिकुलर मीन्स मारिया को एक पर्टिकुलर फिगर मिलेगा. सेकेंड केस है द इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर. मीन्स थर्ड ईयर का हमें इंटरेस्ट फाइंड करना है पर सेकेंड ईयर तक हमें अमाउंट फाइंड करना है. ठीक है, बाकी हमें निकालना सब कुछ आता है क्योंकि हम इजीली सीख चुके हैं. गिवन में हमारे पास है 8,000 रुपीस, रेट है आपकी 5%, टाइम के 2 स्लॉट हैं. फर्स्ट केस में जो टाइम है 2 ईयर है फर्स्ट केस में. अभी सेकेंड हम बाद में करेंगे, पहले फर्स्ट करते हैं. फर्स्ट में हमने किया अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r/100 to the power n. कुछ भी चेंजेस नहीं हुए क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली है. 8,000 इंटू 1 + r इज 5/100. सो आफ्टर 2 ईयर हाउ मच अमाउंट शी विल गेट, तो ये हमें इसमें फाइंड करना है. 5 × 5 = 20. ठीक है, 80,000 हम इसे यहाँ ले लेते हैं. कंटिन्यू अमाउंट इज इक्वल्स टू 8,000 इंटू 1 + 1/20 टू द पावर 2. 8,000 इंटू 21/20 0 0 कैंसिल, 2 से 2 सारा कैंसिल होके फाइनली इट इज 8,820 रुपीज. ये आ गया आपका 2 साल बाद मारिया को कितना अमाउंट मिलेगा. ठीक है, इसमें इंटरेस्ट निकालने की जरूरत है. आप चाहें तो ओरली निकाल सकते हैं, 820 है, बट स्टिल हम नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली क्या है द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर. ठीक है, अब सेकेंड पार्ट इज द इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर. करना सब कुछ यही है बट हमें थर्ड ईयर का इंटरेस्ट भी निकालना है. पी अमाउंट इज इक्वल्स टू पी इंटू 1 + r/100 to the power n. 8,000 मल्टीप्लाई बाय 1 + 5/100 to the power. नाउ टाइम इज 3 बिकॉज आफ्टर 3 ईयर्स. ठीक है, 5 × 5 = 520. 8,000 इंटू 21 by 20 and 21 by 20. फाइनली इट इज 9,261 रुपीज. दिस इज अमाउंट बट इन द सेकेंड पार्ट दे वॉन्ट इंटरेस्ट, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. 9,261 - 8,820. ये कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर आएगा. ठीक है, विच इज आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग दिस 441 रुपीज. यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर ओनली. अगर हमें टोटल 3 ईयर का निकालना होता तो हम 8,820 नहीं लेते, 8,000 लेते. पूरा भी निकाल लेते हम. टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम निकालें तो वो होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल.
दैट इज 9261 माइनस 8000 रुपीस, ये सॉल्व हो के आएगा 1261 रुपीस। ये पूरे 3 साल का है, जबकि दे हैव क्लियरली आस्क इन द क्वेश्चन, ये करना नहीं है, ये मैं एडिशनल आपको बता रही हूँ। दे हैव क्लियरली आस्क फॉर थर्ड ईयर, तो हमें सिर्फ थर्ड ईयर का लेना है, तो उससे पहले वाला अमाउंट हमने माइनस कर दिया, 2 साल में उसे जो मिला और थर्ड ईयर में जो मिला उन दोनों को माइनस करा, तो हमें डिफरेंस मिल गया कि इतना उसे एज ए इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर मिला। ठीक है, नाउ नाउ आफ्टर सॉल्विंग द 8th क्वेश्चन, अगेन पुराने पैटर्न जैसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। अब मेरे ख्याल से हमने इतने सारे क्वेश्चंस ले लिए कि आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा कि हमें कंपाउंडेड एनुअली प्रिफर करना चाहिए या कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, ये भी उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, शॉर्ट में लिख रही हूं मैं, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 रुपीज फॉर 1.5 ईयर एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड, ध्यान दीजिएगा, हाफ ईयरली। क्वेश्चन हाफ ईयरली का है, साथ में उनने पूछा है वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड गेट इफ इट वॉज कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली। अगेन दो केस है क्वेश्चन में, अभी हमने इससे पहले भी जो सॉल्व किए सारे दो केसेस थे। पहले हमें कंपाउंडेड हाफ ईयरली सॉल्व करना है, देन सेम क्वेश्चन कंपाउंडेड एनुअली सॉल्व करना है, और हमें डिफरेंशिएट करना आना चाहिए अब इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद कि हाफ ईयरली ज्यादा बेनिफिट है बजाय आपके एनुअली के। देखिए प्रूफ करके दिखाते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं, बाकी फिगर आपकी सारी वही रहेंगी। रेट इज 10%, टाइम इज 1.5 ईयर, और इसी को अगर हम चाहें तो 3/2 ईयर, जैसा यूज करना चाहे वैसा यूज करेंगे। अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r/200 हो जाएगा, बिकॉज वी आर सॉल्विंग फॉर हाफ ईयरली। 10,000 कैलकुलेशन तो आप इजीली अब करने लग गए होंगे। r इज 10/200 टू दी पावर 3/2 × 2 कैंसिल। हाफ ईयरली है तो कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट अपने आप ही आ जाता है, अगर 1.5 ईयर लेके करना है तो फिर उसका फॉर्मूला अलग है जो अब हम यूज करेंगे। ठीक है, या 10,000 × 1 + 1/20 to the power 3, 10,000 × 21/20 × 21/20 × 21/20, फाइनली इट इज इक्वल टू 11,576.25 रुपीज। दिस इज अमाउंट फॉर कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो ऑब्वियसली अब इसका इंटरेस्ट हम जो निकालेंगे यहाँ पर, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट इज 11,576.25 माइनस प्रिंसिपल इज वॉट 10,000 रुपीज। इसको सॉल्व करने पे आया 1,576.25 रुपीज, बट ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, ध्यान दीजिएगा, ये हाफ ईयरली का केस है। ठीक है, अब हम सेम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बट कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, डिफरेंस बताना है उन्हें खुद और हमें भी समझ में आना चाहिए, इसलिए बार बार ये सम्स आ रहे हैं। सारा फिगर आपका वो का वही रहेगा, P इज 10,000 गिवन वही रहेगा, R इज 10%,
टाइम इज 1 and half, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर फॉर्मूला चेंज होगा, p इंटू 1 + r/100 टू दी पावर, कंप्लीट ईयर ले लेंगे, बाकी बचा आधा साल, मैंने आपको बताया हुआ है, टू दी पावर हाफ होगा, बट पावर हाफ सॉल्व नहीं होगा, सो इट विल मल्टीप्लाई बाय रेट। ये फॉर्मूला प्रूव्ड है तो हम इसको इजीली यूज कर सकते हैं, और आपको इसका प्रूफ करने की जरूरत नहीं है बिकॉज यू आर इन वेरी लोअर क्लास, तो आप अभी डायरेक्ट इसको यूज करें, ठीक है। 10,000 × 1 + 10/100 टू द पावर 1 × यहाँ रेट रखेंगे 1 + 1/2 × 10/100, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 × 5 = 10 एंड 5 से 100 कैंसिल देगा 20, यहाँ पे 1, यहाँ 10, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1 + 1/10 एंड 1 + 1/20, इट इज इक्वल टू 10,000 × 11/10 × 21/20, आंसर विल बी 11550, ठीक है। ये आ गया आपका कंपाउंडेड एनुअली का अमाउंट, और ये जो अमाउंट था, अमाउंट नहीं इंटरेस्ट है, अमाउंट यहां पर है, दिस वॉज द कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ये आ गया है कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली, अब हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली, जब भी तो हम डिफरेंस बता पाएंगे। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट इज 11550 माइनस 10,000, ठीक है। ये आ गया आपका 1550 रुपीस। अब आप खुद बताएंगे कि ये ज्यादा है या ये ज्यादा है, सो ऑब्वियस सी बात है दिस फिगर इज ग्रेटर। तो एज आई टोल्ड यू अगेन आई एम रिपीटिंग, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, इसमें बेनिफिट ज्यादा। वापस से हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ से इसको रिलेट करते हैं। अगर हमने कोई अमाउंट बैंक में डिपॉजिट किया, या हमारे पेरेंट्स ने बैंक में डिपॉजिट किया, सेविंग है, हमने उसको डिपॉजिट किया, हम डेफिनेटली ये चाहेंगे हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट मिले। अगर हम उसे एनुअली दे देते हैं तो इंटरेस्ट मिलेगा, सेफ भी है और हमें फ़ायदा हो रहा है, बट वो इंटरेस्ट कम मिलेगा। तो ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स या आप चाहेंगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स मिले, तो हम क्या करेंगे, आइदर क्वार्टरली का स्लैब चूज कर लेंगे और हाफ ईयरली का। क्वार्टरली जनरली इसलिए कम होता है, आजकल तो क्वार्टरली होने लगा है क्योंकि पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम है, अदरवाइज जब मैनुअल वर्क होता था तो हाफ ईयरली तक होता था। तो क्वार्टरली करने से या हाफ ईयरली करने से आपको इंटरेस्ट वही सेविंग पे थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, और हर इंसान चाहता है कि हम जो सेव करें वो इंक्रीज होता रहे, ठीक है। तो ये बार बार जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनका पर्पस ही ये है कि आपको डिफरेंस क्लियर हो जाए कि हाफ ईयरली में क्या बेनिफिट है, एनुअली में क्या बेनिफिट है, ठीक है।